खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया, सन 1962 में इसी दिन धूर्तवादी चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और उसमें हमारी सेना के अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए हर वर्ष 20 अक्टूबर को विदिशा में भारत तिब्बत सहयोग मंच विरोध प्रदर्शन करता है। सभी पदाधिकारियों ने चीन की बस्तियों का बहिष्कार करने की अपील की। इस मौके पर प्रांत अध्यक्ष अर्पित मुदगल, राकेश शर्मा, प्रांत मंत्री प्रदीप सिंह पवार, जिलाध्यक्ष तोरण सिंह दांगी, सोनू सरदार, भूपेंद्र पाठक, वरुण चौबे, सुदीप शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता रहे शामिल। आज का जो दिन है वो काला दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि आज के दिन में ही हमारे भारत पर जो युद्ध का दिन था, चीन का भारत का, वो काला दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन हमारा जो संदेश है कि जो चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, जो भी हमारे यहाँ भारतवासी हमारे भाई हैं, उनसे अनुरोध है कि चीन का जो उत्पादन हो रहा है और चीन की जो वस्तुएं हैं उनका हम सब विरोध करें, कहीं भी खरीदी फरोदी ना करें, क्योंकि चीन ने हमारे भारत देश का बहुत नुकसान किया है। ये मंच है जो हम चीन की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा तिब्बत की आज़ादी है, दूसरा कैलाश मानसरोवर की आज़ादी है। और जो 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने जो हमला किया था भारत के ऊपर और हज़ारों किलोमीटर जमीन जो है हमारी हत्या ली गई है, उसी की आज बरसी है, 57वीं बरसी। इसलिए हमने चीन का पुतला जलाया है और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि चीनी उत्पाद अब हमें उपयोग नहीं करना है। जितने भी उत्पाद हैं उससे हमारी जो क्या बोलते देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो रही है। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, हमें अपने उत्पादों का उपयोग करें। और हमसे आह्वान करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि हमको चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। आज 20 अक्टूबर के दिन 57 वर्ष पहले चीन ने तिब्बत को रौंदते हुए भारत की सीमा पर आके खड़ा हो गया था चीन, और इस चीन ने भारत के विरुद्ध युद्ध किया और इस युद्ध में हमारे अनेकों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। उस युद्ध में चीन ने हमारे भारत की भूमि पर कब्जा किया, हमारे कई सैनिकों को इसमें हताहत क्षति हुई। भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि को चीन अवैध आज भी कब्जाए हुए। पुतला जला के अपन क्या मैसेज दे रहे हैं? हम पुतला आज हमने इसलिए जलाया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी चीन के राष्ट्रपति जी से मिले थे, और तत्कालीन समय में आज से 57 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू जी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो दिया था। हम ये नहीं चाहते कि वह पूर्व की गलती फिर से दोहराई जाए। खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।